सिक्स पार्ट है हमारा, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, एन एन ए एन फाइंड करना है। तो ए और डी से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एस एन को ओपन किया जा सकता है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन गिवन है 90 इक्वल टू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो ढूंढनी, तो एन बाई टू टू ए, टू ए की वैल्यू भी टू प्लस एन वन, एन तो हम ढूंढ रहे हैं, एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 8। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टू पहुंच जाएगा इधर, तो हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई टू, अपॉन में था टू, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ था एन, टू टू जा 4 प्लस ये 8, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8n और माइनस 8। अब इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 180। तो n पहले सॉल्व कर लेते हैं, 8 और माइनस 8 और 4 माइनस 4 यानी 8n माइनस 4 हो जाएगा, ये 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर, ये n यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। तो इस 180 को उधर भेज दो और लिखो, ऐसे लिखोगे कैसे, 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये माइनस 180 प्लस का है, इधर जाके इनके साथ जाके बन जाएगा माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सिंपल हो सकता है, कैसे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड करने पे ये बनेगा, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, क्या करें इसको, 4 एन स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2n और ये बन जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। ये अभी क्या हो सकता है, 2 से और डिवाइड हो सकता है, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 45 टू जा 90, तो मुझे क्या करना है, 90 के ऐसे फैक्टर जो मुझे रिजल्ट क्या दें, माइनस करने पे 1। तो 90 कैसे बन सकता है, 10 9 जा 90, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 1। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2n स्क्वायर माइनस 10 में से कितना माइनस किया 9, यहाँ पे 1 है दिख नहीं रहा है, वो होता तो 1 है, n का कोफिशियंट 1 है, तो 10 माइनस 1 9 और n की जगह n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 10, यहाँ से n भी अंदर आएगा, माइनस 10 n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, 2n कॉमन आ सकता है, यहाँ 2 10 के अंदर 2 तो होता ही है, यहाँ n भी है, यहाँ भी n है, तो 2n कॉमन लिया, यहाँ बचेगा सिर्फ n और माइनस की जगह माइनस, ये बन जाएगा सिर्फ 5। तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 9 प्लस 9 कॉमन आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा n माइनस का माइनस, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 9n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है, 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर ये 0 रहता, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, अगर ये वाला टर्म 0 हो, यानी n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि भैया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है जो हमने चैप्टर 4 में सीखा हुआ है, तो इसमें से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 5, अगर ये 0 होगा तो 2n, ये प्लस 9 उधर जाके माइनस 9, एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 बाई 2। अब हमें पता है n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये तो होने से रहा, तो n की ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, n की ये वैल्यू होगी, अगर n की ये वैल्यू है तो हमको क्या ढूंढना है, a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हम ढूंढ चुके हैं 5, यानी हमको ढूंढना क्या था, a 5, a है हमारा 2 प्लस 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 8, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस, ये बन जाएगा 5 माइनस 1 4,
इंटू एट ये हो गया टू, ये हो जाएगा 32, और इन दोनों को ऐड करने पे 34, तो हमारा आंसर आया A5 यानी AN आया 34 और N की वैल्यू थी 5। सेवंथ पार्ट है, गिवन है हमें ए AN और SN, हमको क्या ढूंढना है N और D की वैल्यू ढूंढनी है। A ओपन नहीं किया जा सकता, AN भी ओपन नहीं किया जा सकता है क्योंकि D चाहिए होगा। SN ओपन कर सकते हैं, SN A और AN गिवन है इसलिए SN का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? हम यूज कर सकते हैं N/2 a+an, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। SN इक्वल टू क्या होता है N/2 a+an, ये गिवन है हमको कितना दे रखा 210, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 210 इक्वल टू N/2, एन हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ए हमारा गिवन है 8, AN गिवन है हमारा 62, ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करते नहीं वैसे कट जाते हैं कोई नहीं, एन यहाँ कितना हो जाएगा 62 में 8 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 70, तो ये 70 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में यानी 210 मल्टीप्लाई बाई 2 70 आ गया, अपॉन में बचा सिर्फ एन, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 3 21 यानी ये बच गया, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई में 2 था इक्वल टू एन, ये बन जाएगा 6 इक्वल टू एन, तो हम कह सकते हैं एन की क्या वैल्यू आई, एन इक्वल टू आई 6। एन ढूंढ दिया है, हमको चाहिए डी। डी मिलेगा हमें कहाँ से? इसको जब हम ओपन करेंगे क्योंकि ए एन इक्वल टू कितना गिवन है 62, ए एन को क्या लिख सकते हैं a+n-1 × d, एन का फॉर्मूला होता है ये कितना गिवन है 62, ए हमारे पास ऑलरेडी है 8+n हमने फाइंड आउट कर लिया है 6-1 d हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं 62, ये हो जाएगा 8+6 में से 1 माइनस करेंगे 5d इक्वल टू 62, तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 62, 8 क्या हो जाएगा यहाँ जाके माइनस 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस करने पे 2 माइनस करेंगे 60, 60 में से 6 माइनस करेंगे 54, ये होना चाहिए तो ये आ रहा है 54, 5 से क्या कर देंगे यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, ये आएगा 54/5। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।